तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फनटेक बीआरके में। दोस्तों आज की वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया और उसने मुझे पूरी तरीके से सौंका दिया, क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ का मुझे डाउट था वही चीज़ उस सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल के थ्रू पूछ ली। और उन्होंने मुझे पूछा कि मीशो कंपनी ने रीसेलिंग का ऑप्शन भाई हटा दिया है, क्या आपको पता है? मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है अचानक। फिर मैं मीशो एप्लीकेशन में गया और सारी चीज़ें मैंने पता की, तो दोस्तों मुझे वहाँ पर कुछ चौंकाने वाली चीज़ें पता चली। सो कि आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या वहाँ पर बदलाव हुए हैं और कौन से बदलाव आपको दोस्तों मैं अपडेट उस अब इस अब और जो बदलाव हुए उनका अपडेट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अपडेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मीशो कंपनी ने उन्होंने कहा कि ऑप्शन हटा दिया है, तो क्या ऑप्शन हटाया है या नहीं इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में ले जाके सब कुछ मीशो में बताने वाला हूँ, ठीक है। पास में मेरी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो मैं मीशो एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों अब मैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे किसी भी एक रैंडम प्रोडक्ट पर ऑर्डर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कार्ड में ऑलरेडी मेरे एक प्रोडक्ट डला हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों दिखाता हूँ कि क्या वाकई में वहाँ पर हटा हुआ है। और अगर आप ऑर्डर लगाना नहीं जानते तो ये एक नया तरीका है ऑर्डर लगाने का, ठीक है, रीसेलिंग में मीशो कंपनी में, तो मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लिया, इसकी प्राइस है 200 रुपये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एक एड्रेस डालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस करके कस्टमर का एड्रेस डाल सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐसे ही कोई एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास पहले से मैंने बहुत सारे ऑर्डर लगाए तो एक एड्रेस पड़ा था, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आते ही दोस्तों सबसे पहले देखो पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो बंदा कंफ्यूज हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या रीसेलिंग का यहाँ पे हट गया, क्योंकि दोस्तों पेमेंट करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पर मार्जिन डालने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो बंदा यहीं से कंफ्यूज हुआ। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे सही से देखोगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेलिंग द ऑर्डर, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे नो का, मतलब है कि आप रीसेलिंग के लिए इस प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं कर रहे। और अगर आप नो पे क्लिक करके ऑर्डर करते हैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपका ये ऑर्डर आपके पास मीशो कंपनी के थ्रू आएगा और पूरी प्रोडक्ट पर जो ब्रांडिंग होगी वो मीशो कंपनी की ही होगी, ठीक है, और बिल में भी मीशो कंपनी का नाम रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे रीसेलिंग द ऑर्डर यस पे क्लिक करते हैं, तो अब दोस्तों जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो उसका जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है, रीसेलिंग के लिए, उसके ऊपर मीशो की कोई ब्रांडिंग नहीं जाएगी और बिल में भी कहीं मीशो का नाम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइस डालता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने 300 रुपये डाले, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरा 100 रुपये मार्जिन बता रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नए तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं और ये एक नया तरीका है, आप इस नए तरीके से ऑर्डर मीशो कंपनी में लगा सकते हैं। अब दोस्तों जो उस कस्टमर ने बोला था, ठीक है, मैं स्क्रीन बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके कहा था कि मीशो कंपनी ने रीसेलिंग का ऑप्शन बंद कर दिया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मीशो कंपनी ने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रीसेलिंग का ऑप्शन भी मीशो कंपनी में है, लेकिन वहां पर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि हम रीसेलिंग करना चाहते हैं, रीसेल करना चाहते हैं इस ऑर्डर को, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन में यस पे क्लिक करेंगे तो हम आप किसी भी प्रोडक्ट को रीसेल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक तो नहीं हटाया है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि ये मीशो कंपनी बहुत जल्द रीसेलिंग का ऑप्शन शायद खत्म कर सकती है और एक नया एपिलिएट, ठीक है, जिस तरीके से अमेजॉन फ्लिपकार्ट में एपिलिएट, ठीक है, प्रोग्राम चलते हैं, उसी तरीके से ये कोई नया प्रोग्राम लाने की कोशिश ज़रूर करेगी दोस्तों, और रीसेलिंग को पूरी तरीके से यहाँ पे ये ख़त्म कर सकती है या फिर रीसेलिंग को भी रख सकती है। इसके बारे में मुझे अभी कुछ ज़्यादा इनकी नॉलेज नहीं है, मैंने कंपनी से इनकी टीम से भी बात की थी तो वहीं से भी कुछ ऐसा ज़्यादा नॉलेज नहीं मिला इसके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट देना था कि मीशो कंपनी ने रीसेलिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं हटाया है, जब भी हटाएगी कुछ भी नया अपडेट आएगा जरूर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।